हेलो भाइयों, तो आज हम आपको बताएंगे एक छोटे से मिनी इन्वर्टर के बारे में, जिसकी मदद से आप घर के कई सारे इक्विपमेंट चला सकते हैं। चार्जर जैसे, डीटीएच जैसे चीज़ें आप चला सकते हैं सिर्फ 12 वोल्ट की बैटरी से। आप ये देख रहे हैं छोटा सा मिनी इन्वर्टर, इसमें क्या क्या लिखा है मैं आपको सारा चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दो स्विच दिए हैं आउटपुट के, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं दो सॉकेट दिए हैं आउटपुट के, और फिर एक ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है जिसकी मदद से आप इस सॉकेट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बैटरी का सोर्स है वो देना है आपको, इनपुट यहाँ पे देना है प्लस और माइनस, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा। सामने में देख सकते हैं आप दो इंडिकेटर लगा हुआ है, एक ऑन का है। जब आप यहाँ पर पावर देंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन लाइट जल जाएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये इन्वर्टर ऑन हो गया है। और यहाँ पर ओवरलोड का, अगर आप इसमें कोई ओवरलोड वाली जो आइटम है वो लगाएंगे सॉकेट में, तो यहाँ पे ओवर लाइट वाली लाइट जल जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि ओवर लाइट की जले तो आप स्विच को ऑफ कर दें, और फिर उसके बाद फिर ओवर वोल्टेज वाले को निकाल दें। यहाँ पे सोलर कन्वर्टर, आप सोलर एनर्जी लगता है उसकी मदद से भी आप इसको इसमें एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, मैं खुद काफ़ी करीब 6 से 7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ले सकते हैं। मार्केट में करीब ये आपको 300 रुपये का आराम से मिल जाएगा लोकल मार्केट में, बाकी 10-20 का फ़र्क हो सकता है। आप इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कलर टीवी डीवीडी यूज़ कर सकते हैं आप, डीटीएच यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल चार्जर यूज़ कर सकते हैं। हम आपको अभी यूज़ भी करके दिखाएंगे बैटरी लगाकर। CFL ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक चौक 40 वॉट तक आप यूज़ कर सकते हैं। डोंट यूज़ ऑर्डिनरी बल्ब, आप इसमें क्या क्या नहीं यूज़ कर सकते। ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट टीवी बहुत ही ज़्यादा पावर लेता है। और VCD नहीं यूज़ कर सकते, और फैन नहीं यूज़ कर सकते, ऑर्डिनरी चौक नहीं यूज़ कर सकते, सीधे बैटरी से चलाएं। यहाँ पे लिखा है ब्लैक एंड वाइट टीवी और VCD सीधे बैटरी से चलाएं, इसका अपने को कोई मतलब नहीं है। बट इसमें हम आपको पहले दिखा देते हैं क्या क्या लगा है, फिर इसको खोल के भी दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या लगे रहता है। यहाँ पे देखो, हमने ये ले लिया, ये मैंने 12 वोल्ट का लिथियम बैटरी से पैक बनाया है। इसकी बनाने की वीडियो मेरे चैनल पे है, तो कृपया वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैं इसको इसके साथ जोड़ लेता हूँ। ओके, इसके साथ जोड़ते ही इसके साथ ये हमारा पावर जुड़ गया है। इस बैटरी पैक को बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, आपको बनाना होगा। देख सकते हैं ऑन वाली लाइट जल चुकी है, यहाँ पावर आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम चार्जर यूज़ करके देख लेते हैं। तो देखिए, हम आपको इसमें चार्जर लगा दिए हैं, ये चार्जर हमने पिन ये लगा दिए, ठीक है। ये पिन लगाने के बाद सिंपली आपको, मैं ऐसा पता नहीं चल पाया क्योंकि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है, ये अपना ग्रीन लाइट जल रहा है, देख सकते हैं हम ग्रीन लाइट अच्छी तरीके से चल रहा है। अब हम इसको आपको पिन दिखा सकते हैं, आप जो USB का पिन है उसमें देखिएगा ये लाइट जल रही है, मतलब कि चार्जर अपना चालू है, देख सकते हैं। इसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है। इसमें आप LED वगैरह भी लगा सकते हैं, और बाकी और अदर जो हैवी कम, हमारे पास ये ड्रिल मशीन है, ठीक है, हमारे पास ये ड्रिल मशीन है। आवाज़ आप सुनिएगा, मैं इसको लगाता हूँ तो ये कैसी आवाज़ करती है, ठीक है। हमने इसको पावर दे दिया, जब देखिएगा मैं इसको घुमाऊंगा, ये तार सब मेरे पास है, मैं इसको घुमाऊंगा तो आवाज़ आप सुनिएगा। अभी ये काम कर रहे हैं लेकिन बहुत ही धीरे चल रहे हैं। मैंने वीडियो कहीं कट नहीं किया है, देख सकते हैं वायर ये पूरा मेरे पास है, आप देख सकते हैं ये सारा वायर, ये अपना ड्रिल मशीन है, आप देख सकते हैं ड्रिल मशीन चल रहा है अच्छी तरीके से, लेकिन क्या थोड़ा धीरे चल रहा है। लेकिन तो आप हैवी चीज़ ना लगाएं, ऐसे छोटी मोटी यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे देर तक चल जाएगा और बहुत अच्छी बैटरी बैकअप देगा। और ये हमने जो सीरीज़ और पैरेलल में करके लगाया है, 7 बैटरी पैरेलल में लगाया है, काफ़ी अच्छा बैटरी पैक है। इसकी वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल पर जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है, इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत लंबी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको अगली वीडियो में UPS के बारे में बताऊंगा, जो इससे भी हैवी इन्वर्टर है, उसे आप घर पे बहुत ही अच्छे यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये मिनी छोटे मोटे चीज़ यूज़ करने के लिए एक नंबर सामान है।
देख सकते हैं इसके अंदर जो खूब सारे कंपोनेंट रहते हैं, दो मॉस्फेट आपको दिख रहा है हीट सिंक में लगा हुआ, हाँ, और एक ट्रांसफार्मर और एक आईसी और कुछ डायोड लगे हैं, कुछ रजिस्टर लगे हैं और एक कुछ छोटे मोटे ट्रांसफार्मर ऐसे लगा है, कंपोनेंट लगे हैं और दो एलईडी आईसी वगैरह लगे लगे हैं हैं और और यहाँ पे कुछ स्विच सारे कनेक्ट एक हैं आईसी लगी है, दो मॉस्फेट दो लगी है, सॉकेट एक के साथ। ट्रांसफार्मर देख लगा सकते है हैं आप इस और तरह के दो तीन वीडियो भी कंडेंसर हमारे रजिस्टर चैनल पे डायोड हैं, इतने तो सारे हम कंपोनेंट लगे इसको हैं। ठीक भी करेंगे यस सर, और इसको एक्स्ट्रा एक बनाएंगे इसी की घर तरह, पे इन्वर्टर बनाने वाला भी थोड़े सर थोड़े मैं इस कंपोनेंट्स वीडियो हैं। पे तो दूंगा, तो वीडियो को वीडियो लाइक को कर लाइक कर दीजिए, दीजिए और चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दीजिए, दीजिए वीडियो इसी आपको चैनल चैनल पे पे मिल मिल जाएगी। जाएगी।